हेलो गाइस, मैं हूं सनी। आप देख रहे हो मोटो फ्यूल। फाइनली गाइस, जो है टाटा टियागो ईवी को जो है लॉन्च कर दिया गया है और ये मार्केट की पहली जो है इलेक्ट्रिक हैचबैक होने वाली है। और इससे पहले जो है टाटा अपने लाइनअप में जो है नेक्सॉन ईवी मैक्स टिगोर को जो है ऐड कर चुका था। अब जो है भाई टियागो भी इनकी आ गई है, तो जितनी इनकी पेट्रोल डीजल थी सबको इनने ऑलमोस्ट जो है कन्वर्ट कर दिया है अभी तक। इसके बाद जो है भाई हैरियर सफारी का भी नंबर जो है लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन जानेंगे कि आपको जो है इस गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं, इस गाड़ी को पिक करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिस प्राइजेस में आती है, जो ये फीचर्स ऑफर करती है, क्या ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई लुक्स है। तो लुक्स में क्या चेंज आता है कोई भी इलेक्ट्रिक कार में, वो है भाई कलर। जी हाँ गाइस, ब्लू टिंट डाला जाता है। तो यहाँ भी आपको जो है भर के जो है ब्लू टिंट या ग्रीन टिंट आप कह सकते हैं वो देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको जो है न्यू ग्रिल मिलती है जो कि कम्प्लीटली पैक्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स में होता है भाई, कोई नीड नहीं है उनको एयर इंटेक की। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीट पैक देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ईवी की बैजिंग मिलती है, टाटा की बैजिंग मिलती है। उसके बाद आपको ट्राई एरो डिज़ाइन जो है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल के ऊपर देखने को मिल जाता है। ब्लू कलर की गार्निश आपको देखने को मिल जाती है। देन जैसे ही नीचे आते हैं भाई बम्पर पे, तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है न्यू कर दिया गया है। जगह से यहाँ पे फॉगलेम के ऊपर आपको थोड़ी सी गार्निश दी गई है। उसके बाद आपको DRL यूनिट देखने को मिल जाता है यहाँ पे, बहुत ही स्टाइलिश। देन जो है बम्पर में आपको ट्राई एरो डिज़ाइन जो इनका सिग्नेचर डिज़ाइन है वो देखने को मिलता है, और बम्पर में थोड़े से कर्व्स एंड क्रीजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रंट फेशिया जो है इसका काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, थोड़ा सा मस्कुलर स्पोर्टी फील देने की कोशिश करी गई है। उसके बाद हेडलैम्प्स में भाई आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। ये वही यूनिट है जो आपको नेक्सॉन में देखने को मिलती है। तो अगर आपने जो है नेक्सॉन के लाइट्स देखे नाइट में, तो उसी प्रकार का विज़न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रूफ़ है, ये भाई कंट्रास्टी रूफ कहा जा रहा है, मतलब ड्यूल टोन कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे न्यू जो लुक्स में लगने वाला है ना भाई, वो है इसका अलॉय व्हील्स। तो बिल्कुल ही न्यू अलॉय व्हील्स है और बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं जिस तरीके से इसको बिल्ड करा गया है। तो थोड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, अलग अलग कलर्स में अलग अलग जो है आपको चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी अपन जो देख रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में 14 inches के आपको जो इसमें व्हील्स देखने को मिलते हैं, बीच में टाटा का लोगो देखने को मिलता है, और हल्का हल्का जो आपको जो बॉडी कलर टिंट भी जो है इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स की, यानी इंजन, प्लेटफॉर्म, रेंज, प्राइस, ये सब की। तो यहाँ पे आपको भाई जिप्ट्रॉन आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, इससे पहले नेक्सॉन वगैरह में भी यही देखने को मिला था वही मिलेगा, और जो मोटर का स्टाइल है वो भी वही मिलेगा, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर। मैं हमेशा की तरह जो भाई कोई भी कंपनी जब ईवी लॉन्च करती है तो क्लेम करती है कि 0 to 100 इतना चले जाएगी, 0 to 60 इतना चले जाएगी। तो यहाँ भी भाई टाटा ने क्लेम कर दिया है 0 to 60 किलोमीटर पर आवर जो है ये 5.7 सेकंड्स में जो है पहुँच जाएगी, अगर आप जो है स्पोर्ट्स मोड पे इसको जो है स्ट्रेट लेन पर ड्राइव करते हैं तो। तब फास्ट नहीं है, जब वो ऐसा लिख दो ना ऑन पेपर तो काफ़ी फास्ट लगता है। उसके बाद ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे 2 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलेंगे, एक सिटी और एक स्पोर्ट्स। जी हाँ गाइस, इकोनॉमी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यहाँ पे इन्हें सिर्फ स्पोर्ट्स दिया है। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको जो है बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, और सिटी मोड में ऑब्वियसली आप जो है सिटी ड्राइव के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बैटरी पैक्स और इनके सिस्टम की बात करें, तो भाई कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो माइल्ड हाइब्रिड हो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो या फुल इलेक्ट्रिक हो, जो रियर सीट है इसके नीचे ही बैटरी को प्लेस करा जा रहा है मैक्सिमम कार्स में भी। तो यहाँ भी आपको जो है वहीं पे प्लेसिंग जो है बैटरीज की देखने को मिल जाएगी। तो बैटरीज की बात करें तो भाई IP67 रेटेड ये बैटरी पैक है, यानी आपको जो है वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ जो है देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको जो है 8 years और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटीज देखने को मिल जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन जब बैटरी पैक चेंज होता है उसकी कॉस्टिंग जो आपकी ओवरऑल गाड़ी से 40 to 45% पड़ती है। तो ये आपको ईवीज में याद रखना है जो भाई बहुत लॉन्ग टर्म में जो ईवी को रखने की सोच रहे हैं। अब बात करते हैं भाई बैटरी पैक ऑप्शंस की। ऑप्शंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 बैटरी पैक ऑप्शन जो इस बार टाटा ने लाए हैं। जी हाँ गाइस, एक जो है 24 kW का, जिसमें आपको रेंज क्लेम करी गई है 315 km, और एक जो है 19.2 kW का, जिसमें जो है रेंज क्लेम करी गई है 250 km। अब रियल लाइफ रेंज तो देखो भाई गाड़ी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। मैंने जो है नेक्सॉन के ऑनर्स रिव्यू करे थे ईवी के, तो वहाँ पे जो है पता चला था भाई मैक्सिमम लोग के साथ क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में उनको काफ़ी कम रेंज मिल रही थी, लेकिन टाइम टू टाइम जब उसको हैबिचुअल हो गए तो थोड़ी सी बेटर रेंज वो निकालने लगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्विच होते हैं पेट्रोल या डीजल से सीधे ईवी पे, तो थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल जो है डिफरेंट होता है। उसके बाद भाई चार्जिंग ऑप्शंस कौन से मिलने वाले, देखो 4 ऑप्शंस जो है अभी टाटा ने बताया। एक तो अपना देसी भाई 15 ampere का सॉकेट देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो अपन चार्जर कनेक्ट कर लो कहीं भी और गाड़ी चार्ज कर लो। सेकंड ऑप्शन है भाई 3.3 kW का AC चार्जर आपको
जो है देखने को मिलेगा जिप्ट्रॉन वाला। उसके बाद जो तीसरा चार्जर है यह है 7.2 किलोवाट का एसी होम चार्जर, जिसमें आपकी गाड़ी फुल चार्ज 3 घंटे 36 मिनट में हो जाएगी, जो कि काफ़ी फास्ट लग रहा है मेरे को। अगर आप जिसको घर पर इंस्टॉल करवाते हैं या गाड़ी के साथ परचेस करते हैं तो काफ़ी फास्ट ये चार्ज कर देगा। देन आता है भाई डीसी फास्ट चार्जर, अगर ये अवेलेबल हो जाता है तो 10-80% जो है 57 मिनट्स में चार्ज कर पाएंगे। तो चार्जिंग के तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। देन आते भाई मल्टी मोड रीजनरेशन, ये आपने नेक्सॉन ईवी मैक्स में भी देखा होगा। मल्टी मोड रीजनरेशन में जो भाई बैटरी में रीजनरेशन होता है थोड़ा सा क्विक आप कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे जैसे आपको ड्राइव करनी है। देन भाई आते भाई फीचर्स पे, तो फीचर्स में देखो इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है टाटा ऑफर करने वाली है। इनने कहा है कि 45 कनेक्टेड फीचर्स ऑफर करने वाले हैं, स्पेशली कनेक्टिविटी विथ ऐप, मतलब ऐप से जो है ये दे देंगे और इसमें आपको जो है ओटी अपडेट्स भी रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो कुछ फीचर्स इसमें से मैं बता देता हूँ जो आपके काफ़ी काम के हो सकते हैं। भाई रिमोट एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, ये गर्मी में काफ़ी काम आने वाला है। उसके बाद आपको जो है कार लोकेशन ट्रैकिंग जियो फेंसिंग यानी मिलने वाला है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप कार ट्रैक कर पाएंगे, कहाँ जा रही है, कितने किलोमीटर रन कर रही है, कैसे ड्राइव कर रही है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ड्राइविंग स्कोर दिखाने वाला है। डायनेमिक चार्जर लोकेटर भी बता देगा, नियरेस्ट चार्जर आपको जो है बता देगा। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिलने वाली है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर ऐप जो है आप वॉच वगैरह में यूज़ कर पाएंगे, और रियल टाइम चार्जिंग स्टेटस भी आप जो है घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं भाई, अच्छे फीचर्स हैं। और हैचबैक में देखो भाई देना पड़ेगा, क्योंकि ये हैचबैक 5-6 लाख वाली नहीं है, इसकी प्राइसिंग जो है ऊपर जाने वाली है, तो वहाँ पे लोगों की फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फीचर्स भाई देखो टाटा ने दे दिए हैं। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो भाई ये देखो सेगमेंट का बेस्ट है, मेरे को इससे अच्छे स्पीकर्स किसी गाड़ी में नहीं लगे। तो भाई यहाँ पे आपको मिलने वाला है हरमन कार्डन का 8 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम, और बिलीव मी गाइस बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर साउंड सिस्टम है, बहुत टाइम से जो है टाटा लगाते आ रही है, चाहे वो नेक्सॉन हो, चाहे टिगोर हो, चाहे टियागो। भाई ये बहुत ही तगड़ा सिस्टम है, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है, फुल वॉल्यूम में भी आपको कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। स्पेशली मैं स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ और जो इसका एम्पलीफायर सिस्टम लगा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी टस्किन की बात करें तो यहाँ पे भाई आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कैपेबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन वायरलेस नहीं होगी, वायर्ड आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एक जो है बहुत तगड़ी चीज़ इनने कर दी कि जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है ये आपको बेस वेरियंट से ही ऑफर करा जाएगा। जी अगर कोई मैनुअल एसी आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल ओआरवीएम्स विद ऑटो फोल्ड मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा। तो फीचर्स में तो देखो भाई इस बार नहीं लग रहा है कि कोई कमी गाड़ी में होने वाली है, और भले ही ये हैचबैक है लेकिन फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइजेस आपको जो है ऐसे मेजर नहीं दिखने वाले हैं। अब एक स्टैटिस्टिक जो है भाई टाटा ने शेयर किया, तो अगर आप जो है भाई पेट्रोल कार यूज़ करते हैं और 1000 किलोमीटर ड्राइव करते हैं महीने में, तो ये आपको जो है 7,500 रुपये की पड़ेगी पेट्रोल की कॉस्ट। और अगर आप जो है टियागो ईवी ड्राइव करते हैं, 1000 किलोमीटर ड्राइव करते हैं महीने में, तो ये मात्रा आपको 1100 रुपये की पड़ेगी। तो भाई एक स्टैटिस्टिक्स इनने शेयर किया थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आप चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद भाई जो अभी ट्रेंड में चल रहा है दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करने का, और लेकिन उसका नाम नहीं लेते हैं, तो जी हाँ गाइस यहाँ पे भी कंपैरिजन कर दिया है टाटा ने, लास्ट टाइम महिंद्रा ने अपनी ईवी लॉन्च करते वक्त करा था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं फीचर्स मेंशन है, और ऊपर जो है टियागो ईवी के बगल में जो आपको ये लिखा हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म में, ये गाड़ियों के नाम है, जैसे लिखा है MSS यानी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, और हैच मतलब हैचबैक। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आपको देखो पूरे क्रॉस बने हुए, ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। देन भाई MSB यानी मारुति सुजुकी बलेनो, उसमें भी आपको भाई एक ग्रीन टिक देखने को मिल रहा है ऑटोमेटिक एसी का। उसके बाद भाई HI2 यानी ह्यूंडई की i20, यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रीन टिक्स देखने को मिल रहे हैं। देन भाई इनने जो है कॉम्पैक्ट SUV को भी बीच में ला लिया है, तो MSB यानी मारुति सुजुकी ब्रेजा भी जो है कंपेयर कर दी गई है, और उसमें भी आपको जो है इतने सारे फीचर्स मिसिंग है। तो ये कंपैरिजन है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मेरे को तो काफ़ी फन लगता है, ये तो बढ़िया है, करो भाई कंपेयर, अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं भाई मेन मुद्दे की। जी हाँ गाइस, बुकिंग्स ओपन इसकी 10 अक्टूबर से होने वाली है, डिलीवरीज जो है जनवरी 2023 से आ जाएगी। अब बात करते हैं प्राइस एंड वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे देखो दो बैटरी पैक से तो उनको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो भाई 19.2 किलोवाट का बैटरी पैक है, इसमें आपको सिर्फ 3.3 किलोवाट का जो है एसी चार्जर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको सिर्फ XC और XT वेरिएंट देखने को मिलेंगे।
टैक्सी यानी बेस वेरिएंट होगा भाई 8.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम का, और जो एक्सटी होगा ये 9.09 लाख रुपीस एक्स शोरूम होगा। तो ये जो है भाई 19.2 किलोवाट वाले जो बंदे जिनको कम रेंज चाहिए उनके लिए ये कॉस्टिंग है। लेकिन जब आप उससे ऊपर जाते हैं यानी 24 किलोवाट पे, तो यहाँ पे आपको दो चार्जिंग ऑप्शन ही मिल जाते हैं, तो एक तो 3.3 किलोवाट वाला एसी चार्जर और एक जो है 7.2 किलोवाट वाला एसी चार्जर। तो जो 3.3 किलोवाट है इसमें आपको जो है एक्सटी, एक्जेड प्लस, एक्जेड प्लस टेक लक्स जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉस्ट करेगा 9.99 लाख रुपीस। एक्सटी एक्जेड प्लस पड़ेगा आपको 10.79 लाख रुपए का, एक्जेड प्लस टेक लक्स पड़ेगा आपको 11.29 लाख रुपीस का। तो काफ़ी कॉस्टली जो है भाई टियागो हो चुकी है, और ऑन रोड प्राइसिंग आई थिंक इसकी 13-14 पहुंचने वाली है। देन उसके बाद जो 7.2 किलोवाट वाला चार्जर है जो कि बहुत ही तगड़ा चार्जर है, तो ये अगर आपको लेना है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी और आप जो है नेक्सॉन ईवी के पास पहुंच जाएंगे। एक्जेड प्लस इसका पड़ेगा 11.29 लाख रुपीस का, और जो इसको टॉप एंड वेरिएंट है एक्जेड प्लस टेक लक्स ये पड़ेगा 11.79 लाख रुपीस का। फीचर्स चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग ऑप्शन और बैटरी ऑप्शन चेंज होते जाएंगे। तो प्राइस देखो भाई जस्टिफाई कर सकते हो आप अगर आप जो स्मार्टली बाय करते हो, लेकिन ये जो 7.2 किलोवाट वाला चार्जर था आई थिंक मैं सोच रहा था इससे कम प्राइस में मिल जाता तो बेटर होता, लेकिन फिर भी ठीक है 3.3 किलोवाट वाला चार्जर और 24 किलोवाट वाली बैटरी आप लेते हैं तो एक्सटी मेरे को काफ़ी प्रोमिसिंग वेरिएंट लग रहा है। 9.99 लाख रुपीस एक्सशोरूम प्राइस है और ये काफ़ी अच्छी आपको रेंज और इजी टू ड्राइव दे देगा। तो यही था गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होप आपको पसंद आया। अगर आप जो है किसी कार से इसे कंपेयर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।